हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग बात किए थे कि स्लोप के माध्यम से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे और इंटीग्रेशन के माध्यम से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। आज थोड़ा सा हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा सा उसका रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, वेलोसिटी लिख देते हैं और एक्सेलरेशन लिख देते हैं, ठीक है। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग करेंगे स्लोप निकालते हैं, ठीक है। स्लोप ds/dt, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसमें भी स्लोप का यूज करते हैं, ठीक है। इसको डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया एरिया कुछ ऐसे निकालते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ ADT करके, ठीक है। और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए भी हम लोग एरिया निकालते हैं, ठीक है। एरिया एरिया निकालते हैं हम लोग इसमें 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 VDT, ठीक है। इसमें वेलोसिटी डिफरेंशिएशन और टाइम का इनटू करते हैं, ठीक है। ये हम लोग का V हो गया, ये हम लोग का A हो गया, ठीक है। आज इसी पे एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड दी रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ कार ए एंड बी फॉर गिवेन फिगर। एक हम लोग फिगर बना लेते हैं, ये हम लोग का ये ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग का ये हम लोग का बी हो गया, या 30 डिग्री ले लेते हैं, इसका भी 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। ये टाइम चला गया और ये इसमें रेशियो फाइंड करना है एक्सेलरेशन का, ठीक है। ए का एक्सेलरेशन का और बी का एक्सेलरेशन का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग ये 30 हो गया, तो इसे हम लोग इस पूरा का हम लोग 60 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक्सेलरेशन ए का एक्सेलरेशन बढ़ाने के लिए हम लोग स्लोप निकालेंगे, स्लोप स्लोप निकालेंगे, इस स्लोप निकालेंगे, ठीक है। इसको हम लोग ये हो जाएगा, अगर मानते हैं ये है ये हम लोग का परपेंडिकुलर हो गया, ये हम लोग का बेस हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग टैन थीटा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हम लोग का बेस हो गया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये हम लोग का बेस। ये स्लोप निकालने के लिए एक टैन का फॉर्मूला यूज करेंगे, टैन थर्टी का, ठीक है। टैन थर्टी का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। इसी तरह एक्सेलरेशन बी का निकालेंगे, इसको भी स्लोप निकालेंगे, स्लोप इसका हो जाएगा 10/60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 30 है, ठीक है, यहाँ से तो 60 ही है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा √3। इसका रेशियो देखेंगे, डेयर रेशियो रेशियो देखते हैं, ठीक है। इसको डेयर इसका रेशियो देखेंगे एक्सेलरेशन का और एक्सेलरेशन बी का, तो इसका हो जाएगा 1/√3। एक एक्सेलरेशन 1/√3 है, इसका √3 हो जाएगा। तो इसको 1/√3
इंटू वन बाई रूट थ्री, ये रूट थ्री नीचे आ जाएगा तो इसका हो जाएगा वन बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इसका एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन और बी का एक्सेलरेशन का रेशियो हो गया 1:3 हो गया, ठीक है। इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। और इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इंटीग्रेशन वाला, ठीक है। टाइम को सेव करते हुए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लिए हुए हैं, ठीक है। टाइम को सेव करते हुए, इफ़ अ बॉडी हैज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसका कितना है, ए इक्वल टू 3t², ठीक है। देन द बॉडी ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 5 सेकेंड, ठीक है। बताए इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 5 सेकेंड बाद, ठीक है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, जिसका इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, ए इक्वल टू dv/dt करेंगे, ठीक है। ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख रहे dv इक्वल टू लिख देंगे adt, ठीक है। तो हम लोग को, ठीक है, हम लोग को वेलोसिटी इस एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। dv बाई इंटीग्रेशन ऑफ t1 हो जाएगा, t2 हो जाएगा, ये v1 हो जाएगा, नहीं ये v2 हो जाएगा, ये v1 हो जाएगा, ठीक है। इसको adt कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे, इसको भी, इसको भी मान लेंगे, वी वन वी टू को भी मान लेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। इसका हो जाएगा 10, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को दिया हुआ है 10, ठीक है। इसको हम लोग लिख देंगे dv, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ हम लोग को आफ्टर 5 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो 0 इनिशियल इसका टाइम 0 हो जाएगा फर्स्ट, और आफ्टर 5 सेकेंड बार मतलब इसका 5 हो जाएगा। ए का वैल्यू दिया हुआ है at² इंटू में है, इसको इंटू में इसको dt करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालेंगे, ये हो जाएगा भी का, इसका हो जाएगा भी, इसका हो जाएगा 10 है, ठीक है। और इसका हो जाएगा 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। 3 बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा t³ by 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको फार्मूला बताते हैं, ठीक है। थोड़ा इसका हम इस फार्मूला बताते हैं, ऊपर हो जाएगा t+1 होता है, ठीक है। ऊपर यहाँ पर लिखेंगे t+1 और नीचे लिखेंगे टी के, ये n है, ठीक है। n+1 लिखते हैं, ठीक है। इसे एक फार्मूला देख लेते हैं हम लोग। अगर 3 लिखा हुआ है, 3t⁻n और dt लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे इंटीग्रेशन में, 3 बाहर आ जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे tn+1 लिखेंगे और यहाँ पर n+1 लिखेंगे। पावर में कितना है, पावर इसका हम लोग देखेंगे, इसका पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका पावर 5 नहीं होगा, 0 से 5 का इसका पावर 5 नहीं होता, ठीक है। इसका 0 से 5 है। यहाँ पर पी लिख लेते हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पी लिख लेते हैं, यहाँ पर क्यू लिख देंगे तो इसका जगह ये नीचे वाला पी हो जाएगा, ऊपर वाला क्यू हो जाएगा। ये हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन निकालने का। तो इसको हम लोग लिखेंगे, 3 से 3 कट गया तो ये हो जाए, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा भी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, ठीक है। v2 हम लोग का कारण 10 है, v2 भी है, हम लोग का v2 का वैल्यू हम लोग का भी है, और v1 का वैल्यू 10 है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ये t 5 का क्यूब हो जाएगा और -0 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का टाइम कितना, 0 का हम लोग को भी, t2 कितना है, t2 हम लोग का 5 है, ठीक है। तो 5 का क्यूब लिख देंगे, हम लोग का t1 कितना है, 0 है, 0 का क्यूब लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं, वी -10 को करेंगे तो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में 0 हो जाएगा तो वी इक्वल टू 125 प्लस 10 हो जाएगा,
वी इक्वल टू 135 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अलग एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन, ये इतना दिया हुआ है। ठीक है, हैवी इनिशियल वेलोसिटी इतना हुआ है। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी इतना दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे निकालेंगे। इसका एक और तरीका होता है निकालने का, इसको हम दूसरे तरीका से निकालेंगे। ठीक है, डेल वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। ठीक है, इसको इसका 5 सेकेंड कर रहा है। ठीक है, तो 0 से 5 सेकेंड, ए कितना, ए 4 है और डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 4 बाहर आ जाएगा, या 0 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा, या डी टी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग 4 लिख देते हैं, डी है। ठीक है, इसको टी बना देते हैं। ठीक है, जो फिर इसको 5 कर देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन है इसको 5 और 0 से 5 तक का पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस टी का पावर कुछ नहीं है, तो टी पर 5 ले लेते हैं और फिर माइनस 0 कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 मीटर मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, डेल भी हो जाएगा, हम लोग का डेल भी यहाँ से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी डेल भी हो जाएगा, यहाँ पर भी डेल भी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे डेल भी इतना हुआ है, इतना है, तो हम लोग डेल भी किसको कहते हैं, v2 - v1 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो v2 हम लोग का नहीं मालूम है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितना हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी 10 दिया हुआ था, इसको 20 लिख सकते हैं, तो v2 इक्वल टू 20 + 10 हो जाएगा, तो v2 इक्वल टू 30 हो जाएगा, 30। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड, देयरफॉर इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसका फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन कर लिए थे हम लोग, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बाद में बात करेंगे इसका, एक नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।